पुनः अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि 6,700 करोड़ की इन योजनाओं का लोकार्पण, और मैं स्वागत करती हूँ माननीय नागरिक विमानन मंत्री भारत सरकार श्री के राममोहन नायडू जी का तथा स्वागत मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जनों का। अतिथि देवो भव, इस स्वस्थ परंपरा के निर्वहन के लिए मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री। पहला लक्ष्य निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की है, दूसरा लक्ष्य निवेश से नौजवानों को नौकरी देने का है। आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और ये सिर्फ ईंट पत्थर और लोहे सरिया का काम नहीं हो रहा, बल्कि इससे लोगों की सुविधा बढ़ रही है, देश के युवाओं को नौकरियां भी मिल रही है। साथियों, आप देखिए, जब हमने बाबतपुरा एयरपोर्ट वाला हाईवे बनाया, एयरपोर्ट पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई, तो क्या फायदा सिर्फ आने जाने वालों को मिला? नहीं, इससे बनारस के कितने ही लोगों को रोजगार मिला, इससे खेती, उद्योग और पर्यटन तीनों को बल मिला। आज बनारस आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है, और आप तो जानते हैं, कुछ समय पहले हमने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी, उसमें पाली और प्राकृत भाषाएं भी हैं, और पाली भाषा का सारनाथ से विशेष नाता है, काशी से विशेष नाता है, प्राकृत भाषा का भी विशेष नाता है, और इसलिए उसका शास्त्रीय भाषा के रूप में गौरव प्राप्त होना ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। जिधर भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, वहां लोगों की सुविधा कनेक्टिविटी के तहत उनका अच्छा सुविधा बनेगी, व्यापार बढ़ेगा, रियल एस्टेट की बढ़ोतरी होगी, वहां की अर्थव्यवस्था में उछल आएगा, और उससे वहां के युवा में रोजगार पाने का भी अवसर बढ़ते रहेंगे। इस देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट बनाने का प्रयास किया है, और पिछले 10 साल में कुल मिलाकर संख्या जो 74 था वो 157 तक ले जाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है। बहनों और भाइयों, दीपावली के ठीक पूर्व काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 6,700 करोड़ रुपए की अधिक की परियोजनाओं का उपहार भी प्राप्त हो रहा है। इसके लिए काशीवासी और प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं।